जय हिंद साथियों, आइए आज हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2022 का मार्च का महीना 122 वर्षों में सबसे अधिक गर्म क्यों गुजरा। जी हां, 122 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ चुका है मार्च महीने की गर्मी। मार्च महीने की गर्मी मई जून की गर्मी को ही पस्त करने वाली गर्मी रही है। इसमें टेम्परेचर 40 से भी अधिक पहुंच गया है। उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की गई है। दिल्ली, आगरा वाला क्षेत्र, पूरा राजस्थान का क्षेत्र, ये सब काफी ज्यादा हीट वेव्स की वजह से हीट गर्म रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ जो भौगोलिक कारक हैं और इसके अलावा कुछ मानवजनित कारक हैं। यहां आप देख सकते होंगे मैंने यूरेशिया का नक्शा बनाया है और ये अफ्रीका का नक्शा है। तो इस नक्शे के माध्यम से हम समझेंगे वे कौन से मानवजनित कारक हैं जिसके कारण मार्च का महीना रिकॉर्ड तोड़ पिछले 122 वर्षों में भी इतना गर्म नहीं रहा जितना इस वर्ष रहा है। 1901 में ऐसी गर्मी मार्च के महीने में पड़ी थी, उसके बाद 122 वर्ष बाद आज फिर मार्च का महीना धू-धू कर जल रहा है। तो देखिए, अगर हम भौगोलिक कारकों की बात करें तो 21 मार्च का जो दिन होता है, इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाता है। ये हमारी जो है पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा है। सर्दी हमारे यहाँ इसलिए पड़ती है क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है। जब सूर्य मकर रेखा से उत्तर की तरफ प्रवेश करता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं और 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाता है। 21 मार्च की तिथि के बाद सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो भारत और भारत जितने भी भारत सहित उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र हैं, देश हैं, उनमें परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ये तो कुछ भौगोलिक कारक रहा जिसके कारण मार्च के महीने में गर्मी शुरू हो जाती है। इसीलिए मार्च का महीना जो है एक संक्रमण का महीना होता है, सर्दी जाने की और गर्मी आने की। लेकिन संक्रमण में एकदम से इतनी भयंकर गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार लू के थपेड़ों ने और चिलचिलाती धूप ने इंसानों का जीना दूभर कर दिया है इसी मार्च के महीने में। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ मानवजनित कारकों की चर्चा करेंगे। देखिए, ये भूमध्य सागर है और ये काला सागर है। काला सागर और भूमध्य सागर से मार्च के महीने में या उसके पहले से ही यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नामक जो है चक्रवात चलते हैं। चूँकि हमारे भारत से ये पश्चिम में स्थित है, इसलिए पछुआ विक्षोभ भारत में प्रवेश करते हैं। विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, और ये डिस्टर्बेंस कैसे होते हैं, साइक्लोनिक होते हैं, चक्रवाती होते हैं। चक्रवात ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें केंद्र में निम्न वायुदाब के सेंटर्स बन जाते हैं और चारों तरफ से हवाएं वहां पर आक्रमण करती हैं जिसे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे चक्रवात साइक्लोन्स जो है भूमध्य सागर और उसके आसपास वाले क्षेत्र में बनते हैं और भारत में इस समय स्थिति जो है यहाँ पर निम्न दाब की बन जाती है जिसके कारण ये चक्रवात भारत में प्रवेश करने लगते हैं। चूंकि सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध में आना प्रवेश कर देता है इसलिए यहाँ पर जो भूस्थल है ये गर्म होने लगते हैं और यहाँ पर निम्न दाब के केंद्र बन जाते हैं। तो चक्रवात भारत में प्रवेश करते हैं आमतौर पर, इसलिए इस वाले रीजन में बादल आते हैं, वर्षा होती है जिसके कारण मार्च के महीने में हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बारिश 80-90% कम हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना आने के कारण। ये क्षेत्र खुला रहा, आसमान खुला रहा, आकाश में बादल नहीं छाए जिसकी वजह से चिलचिलाती हुई धूप सीधे आसमान को भेदते हुए, बादलों को, बादल थे नहीं तो आसमान से सीधे चिलचिलाती हुई धूप इस क्षेत्र में भारत में प्रवेश की और यहाँ पर गर्मी की तपन बढ़ गई। अब हम लोग इसके कारण के पीछे जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए। देखिए, यहाँ पर ये काला सागर है, ये क्या है, ब्लैक सी है, यहीं पर रूस है और ये जो है आपका यूक्रेन है। आपको पता होगा कि मार्च के महीने में यहाँ यूक्रेन पे आक्रमण करता है रूस। रूस ने यूक्रेन वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया और क्लस्टर्स बम छोड़ने शुरू कर दिए, जिसमें उसने ऐसा कहा गया है, यूक्रेन ने ऐसा दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के शहर पर एक ऐसे वैक्यूम बम्स का इस्तेमाल किया। कौन से बम, वैक्यूम बम। देखिए, वैक्यूम बम जो होते हैं ये बड़े खतरनाक बम होते हैं, परमाणु बम के बाद में ये दूसरे सबसे घातक विस्फोटक जो है हथियार हैं। तो रूस ने वैक्यूम बम्स इस्तेमाल किए यूक्रेन के ऊपर,
वैक्यूम बम एक्चुअली किस तरीके से काम करते हैं कि ये वातावरण में बहुत अधिक टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं। जैसे ये बम वहां पर छोड़ा जाता है तो वातावरण में भयंकर टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं, और टेम्परेचर क्रिएट होगा तो वहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल है वो खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेवल खत्म होगा तो लोगों की जो है दम घुट करके मृत्यु होने लगेगी, शरीर की जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो फटने लगेंगी। तो इस तरीके से, और इसके अलावा जो है भयंकर टेम्परेचर उत्पन्न होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा इस वाले क्षेत्र में, भूमध्य सागर और काला सागर के आसपास में। तो यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट हो गया। भारत में इसके उत्तरी भारत के क्षेत्र में, राजस्थान और पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में यहाँ पर प्रतिचक्रवाती स्थिति उत्पन्न हो गई। कौन सी स्थिति? प्रतिचक्रवाती स्थिति उत्पन्न हो गई। और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं? उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं। अब यहाँ पर उच्च वायुदाब के केंद्र बन गए और यहाँ निम्न वायुदाब के केंद्र बन गए, क्योंकि वैक्यूम बम ने बहुत सारा टेम्परेचर रिलीज किया, तो इसके कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो थे, पछुआ विक्षोभ थे, वे वीक हो गए, वे कमजोर हो गए, वे कमजोर होकर के यहीं खत्म हो गए। पछुआ विक्षोभ भारत की तरफ नहीं रुक किए, बल्कि वो जो पछुआ विक्षोभ थे वो कहाँ खत्म हो गए? वो भूमध्य सागर और काला सागर के आसपास ही, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और ये भारत तक नहीं आ पाए। और जब भारत तक नहीं आए तो यहाँ पर पश्चिमी वाले, उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में बादलों का बनना नहीं हुआ। बादलों का बनना नहीं हुआ तो मार्च के महीने वर्षा नहीं हुई, और मार्च के महीने में वर्षा नहीं हुई तो टेम्परेचर अचानक बढ़ा, और चूंकि बादल नहीं थे तो बादल ना होने के कारण जो धूप थी, जो सूर्य अपनी रोशनी, सूर्य अपनी किरणें जो भारत भूमि पर भेज रहा था, बादल नहीं होने के कारण बहुत तीक्ष्ण जो है धूप भारत में प्रवेश की, इसलिए मार्च का महीना काफ़ी गर्म हो गया, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लस पहुंच गया। लेकिन देखिए, अगर इसके हम तह में जाएं तो विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि अभी तो ये स्थिति ऐसी बनी है, लेकिन आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं भारत के मानसून के लिए एक रामबाण साबित होगा। चूँकि यहाँ पर अभी टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ा है, तो जो हिमालय वाले क्षेत्र है, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है, इस हिमालय वाले क्षेत्र पे जो बर्फीली चोटियां हैं वहाँ पर भी एक जो है किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, तो उसके ऊपर भी निम्न वायुदाब के केंद्र उत्पन्न हो रहे हैं, लो प्रेशर बेल्ट्स बन रहे हैं, और लो प्रेशर बेल्ट्स जब बनेंगे, और यहाँ पर आपका जो है ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में अरब सागर। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो मानसूनी धाराएं हैं वो तेज़ी से भारत की तरफ प्रवेश करेंगी। तो ऐसा अनुमान लगाया है मौसम वैज्ञानिकों ने कि इस वर्ष मानसूनी वर्षा भारत में अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे मानसून को भी प्रभावित करेगी। मानसूनी वर्षा हो सकता है इस वर्ष अच्छी हो, और समय से पहले भी आ सकती है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है अभी से, और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो मानसूनी दूल्हा है वो अपने गाजे बाजे के साथ बारातियों को लेकर के भारत में प्रवेश करेगा और वर्षा कराएगा, और सामान्य वर्षा से अधिक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है यूक्रेन और रूस के द्वारा हो रहे भीषण युद्ध का जलवायविक प्रभाव का आकलन किया। देखिए, ईश्वर ने तो पृथ्वी की रचना कर दी, प्रकृति की रचना कर दी, लेकिन मानव के हाथ में है उस प्रकृति की सुरक्षा करना, उस प्रकृति को नष्ट करना, और मानव अपने इस आतताई और अपने इस क्रुद्ध स्वभाव के कारण आज अपने ही प्रकृति को नुकसान कर रहा है, जिसका खामियाजा पूरी मानव सभ्यता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न कीजिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम संरक्षित रहेंगे, तभी मानव सभ्यता लंबे समय तक इस पृथ्वी पर सर्वाइव करवाएगी। फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।